तो हरियाणा में एयर शो और आसमान में राफेल और जगुआर दिखाएंगे अपनी ताकत। जी हाँ, कब है ये एयर शो, कितने बजे से ये एयर शो है, आप इस एयर शो में कैसे जा सकते हैं, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो अम्बाला एयरबेस पर आज एयर शो का आयोजन किया जा रहा है और इस एयर शो में जहाँ राफेल और जगुआर दमखम दिखाएंगे, वहीं आकाशगंगा और सूर्य किरण की टीमें भी इसमें शामिल होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों सहित एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीटिंग की और आम जनता के लिए इस शो को देखने के लिए बनाई है नई व्यवस्था, इस पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रशासन द्वारा जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, और जबकि डीसी और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शालीन ने धारा 144 के तहत आदेश भी जारी कर दिए हैं। डीसी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग और व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा भी की है। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र सचाव और साथ ही नगराधीश विश्वजीत सिंह और भी तमाम जो नेता थे, जो अधिकारी थे, वो मौजूद थे। तो देखिए, बता दें कि अम्बाला से राफेल जहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस सहित अन्य मौक़ों पर शामिल होते रहे हैं, वहीं 2020 में अम्बाला एयरबेस पर राफेल की इंडक्शन सेरेमनी के दौरान राफेल, तेजस, सूर्य किरण टीमों ने अपना दमखम दिखाया था। तो अब 23 यानी कि आज के दिन और 24 नवंबर को अम्बाला एयरबेस पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। तो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 1996 से गठित की गई है और ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और टीम के विमानों से भी फाइटर जेट पायलट्स को युद्ध अभ्यास के लिए ट्रेनिंग देती है। तो इन टीम में 9 विमान हैं जो आसमान में करतब दिखाते हैं, और आकाश गंगा टीम के जवानों को पैराशूटिंग में महारत है। इस टीम को 1987 में तैयार किया गया था। इसके साथ ही ऊंचाई से जवान पैराशूट के माध्यम से कूदते हैं और करतब दिखाते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन ये जवान अपने करतब के थ्रू दिखाते हैं। वहीं आमजन इस एयर शो के दौरान अपने साथ किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर ना आए, अगर आप इस एयर शो में जा रहे हैं इसे देखने। तो नगर परिषद कार्यक्रम स्थल के 1 किलोमीटर के नज़दीक कहीं पर कूड़ा करकट है तो उसे उठवाएं, और धारा 144 के तहत आदेश है कि ड्रोन या फिर पतंग ना उड़ाई जाए। तो इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है इस एयर शो को देखते हुए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।